तो भाई दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सुब जर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम अभी जो पैराग्लाइडिंग करके आए हैं, हम लोग हैं बीर बिलिंग के अंदर। बीर नाम से ये गांव है और रात को यहीं पर हम लोगों ने स्टे किया। पैराग्लाइडिंग वाला आपने पिछला वीडियो पूरा पूरा देखा ही था। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर रूम लिया 1500 रुपए के अंदर, बाकी सब लोग चले गए। सामान खा लिया क्यों मम्मी सारो? आपको तो मैं काफी टाइम से जानता हूँ। जब पिछली बार हम लोग हिमाचल आए थे तब से, 2 साल पहले आए थे। हाँ, 2 साल हम लोगों ने चुनिंदा जगह छोड़ी थी, बाकी सब जगह चले गए थे, उनमें से एक बीर बिलिंग थी। वाह भाई वाह, मम्मी ने गाड़ी साफ कर दी आज। क्यों लाग रहे हो? बीड का मार्केट है यहाँ पर। मुझे दही लेना है। आटा चाहिए, रोटी बनाओगे? अच्छा भाई, दे दो इनको आटा दे दो। ये थैली कितने की आटे वाली? हाँ दे दो। लो भाई सुबह सुबह ये लो आटा। चलो ठीक है, मिल गया आटा। अरे थैंक यू भैया, सुबह के मिल गए मुझे सुबह सुबह ही। कल एकादशी का उपवास किया था, अब द्वादशी है। खाना खाने से पहले मैं तो ऐसे अवसर देखता ही रहता हूँ। खुकरा कटे हसी तो हसी खुकरा मिठ लिया खासी बेटा। ये बीड का मार्केट है और रात में बहुत चहल पहल थी यहाँ पर। भाई सब देना बच्चों वाले, सिर्फ दे दो, बिना मिर्ची वाले दे दो। लेस बीड के अंदर तो जो है वो ऐसे ही चाय के बागान है, घरों के बीच बीच में लोगों ने लगा रखे हैं चाय के पत्ते। उत्तर की नीचे आधे का चाय लेने लाग रही। क्या ले आया तू? आपका वीडियो देखता हूँ मेरा पूरा। अच्छा, लाइक फॉलो सब कुछ। थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ के हो? मैं नोखा। नोखा नोखा घूमने आए? नहीं नहीं, तो अपना इधर काम करता हूँ मैं, नमकीन का। नमकीन का इधर सप्लाई करता हूँ। जैसे आपने सब मैंने देखा था, आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आपने गाड़ी चेंज की थी इसी अभी 2-4 दिन पहले। हाँ अच्छा, आज कंटिन्यू देख रहे हो? आपने आइडिया नहीं था कि भीड़ आ जाएंगे। सब देखता हूँ मैं आपका। अच्छा बढ़िया, आगे करो। चलो ठीक है। रास्तों से हम लोग जो है लोग जा रहे हैं राजगुंदा और उसके बाद में ब्रोट वैली, बहुत ऊंचाई वाली जगह, बहुत सुंदर, मजा आने वाला है भाई। कितना रुपए का है? लोरी दिल्ली करे तमाशा। लोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा, भाई बिलिंग आ गया यहाँ की पैराग्लाइडिंग साइट। हम लोग यहाँ बैठ करके तरबूज खाएंगे। थोड़े से यहाँ पर ऐसे ही रुके हैं। ये देखो यहाँ पर जो डस्ट होता है ना, कचरा वगैरह, उसको इकट्ठा करके एक पक्षी बनाया। ये संदेश दे रहे हैं कि कचरा ना करें भाई, कचरा करने से रियल जो पक्षी है ना उनको भी नुकसान पहुंचता है। और अब हम लोग जो बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं तरबूज। अब हम लोग जो तरबूज खा रहे हैं बहुत ही मीठे मीठे। देखियो नहीं उठ दो क्या काल? देखियो देखियो के उठ दो खट। देखियो अठ उठियो के देख क्यों? ओ दिख गयो, दिख गयो, ओ तो दिख गयो, ओ दिख गयो। बिट्टू कटे? बिट्टू बिट्टू आ बिट्टू, आ मेरे बिट्टू कटे सिंगे आरी बिट्टू बिट्टू है, बिट्टू मेरी बिट्टू है। ओए तो मोटो कौन खासी? बिट्टू खासी के दादी दादी खासी। लोग जो बिलिंग से आके चल पड़े हैं। वाव वाव वाव, मम्मी का डर लग रहा है भाई, उतर जाऊंगा मैं थोड़ी देर। डर लगा गाड़ी उतर जा, चोरी हुए तो यहाँ आराम चल रहे। गाड़ी हुआ नहीं बनाई तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये रास्ता जो अभी तैयार हो रहा है राजगुंदा के लिए बिलिंग से, डायरेक्ट हम लोग आए, एकदम ऑफ रोड है रास्ते के ऊपर। अभी पूरी तरह से सड़क सड़क जो बनी हुई नहीं है।
माँ बेटा दोनों एक सा है। ऑफ रोड है तो मुझे तो कुकिंग बॉक्स हो गया। आपका घर, आपकी खेती बाड़ी, आपका हर चीज एक अवेलेबल, आप जा गए हो, हर एक चीज देखिए देखिए वीडियो जो आपने डाली है, आप फैमिली के साथ, आपका नई बेबी भी है, एक बेटी है, एक लड़का है। आप, मेरा नाम कुल्लू है सर, गाँव कुल्लू से हूँ। कुल्लू से हो? बुजौरा से, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू बुजौरा से। तो जो आप इतने तीर्थ स्थान घूम रहे हो, आपको भी ऊपर भगवान आशीर्वाद दे और बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू राज बुंदा, हम लोग पहुंचने वाले हैं भाई। राम राम। मैं भी कहने रहा थे नागौर, तो बारिश में वापिस जाओ कहाँ, सावन भादो जाओ, फिर गर्मी गर्मी मत काम करोगे, ठंडी जगह माँ। बच्चे बड़े हो गए हैं, जब छोटे छोटे तब से थे। अच्छा हाँ जी, आप कहाँ से हो? देखते गाड़ी चलाते हैं जब। थैंक यू। बीकानेर हो? बीकानेर राजवी, इनके ननियाल है राजवी, ये है शेखावत है वहाँ के खंडेला, ये खंडेला है शेखावत है राजवी बीकानेर। अब से जा गए हो? अब तो घूम रहे हैं। अच्छा, हम लोग यहीं के रहने वाले, मैं तो मेरी वाइफ शेखावत है वहाँ से, जयपुर खंडेला से, ननिहाल इसकी बीकानेर राज्यों के है। किधर ने तो आ गया, अब बीर बिलिंग घुमाण मिले मम्मी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी दादी भी होते थे, दादी भी कभी घुमाते हो। ठीक है जी, मैंने पहचान लिया, थैंक यू। चुप जी, थैंक यू। हाँ नींद आ रही है। तो भाई गाड़ी के अंदर से अभी हम लोग सामान निकाल रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं एक जगह पर, बहुत ही सुंदर लोकेशन आई है, यहाँ पर हम खाना बनाएंगे और खाएंगे। कितना जबरदस्त सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर जबरदस्त। यहाँ पर क्या है कि ये उहल नदी है और इसी के पास में हम लोग रुके हैं। यहाँ इस साइड में सुंदर सुंदर बर्फीले पहाड़ नजर आ रहे थे, अभी तो बारिश का मौसम हो गया, बादल आ गए बहुत ज्यादा, तो बहुत सुंदर लोकेशन के ऊपर यहाँ आकर के हम लोग जो अभी खाना बना रहे हैं। हल्की सी वापस धूप भी आ गई और ये हमारे पास में से छोटा सा झरना बह रहा है, पानी यहाँ से ले लेंगे और इस साइड में हमने अपना डेरा डाल लिया है। ओ क्या कर रहे हो भाई, चूल्हो जगाओ या सिलेंडर ने जगाओ? हैं, माचिस नहीं है तो इसके ऊपर लकड़ियाँ डाल ली, रख ली और उसके बाद में लकड़ी का चूल्हा बना के फटाफट रोटियाँ बन जाएगी। आज हम लोगों ने ऐसी लोकेशन सेलेक्ट की है जहाँ पर क्या है कि एकदम ओट है, हल्की बारिश भी नहीं आएगी, ना कोई हवा आ रही है, कुछ भी नहीं, और मम्मी आते ही बैठ करके प्याज काटने लग गई। चलो भाई खाना बना लेते हैं, बच्चे उस साइड से लकड़ियाँ चुक चुक के लेके आ रहे हैं खूब सारी। एक दिन सीना की चप्पल गंदी निकली है। हाँ फिर तू लेके आई यहाँ के? यहाँ टेंशन नहीं है, बच्चे इस साइड में खेल रहे हैं तो नदी नीचे एक साइड में बेटा हट ही रहा था, और किन ना जाए। अच्छा रन के दिन ना जाए, नहीं गिरा किन की कौन के ले आवन है। ऐसे पहाड़ों में आके भाई ठंडी ठंडी लोकेशन के ऊपर खाना बनाना और खाना, वैसे तो कल एकादशी का उपवास किया हुआ था, आज अभी हम लोग उपवास खोलेंगे, बहुत जबरदस्त भूख लग जाती है ठंड के अंदर। भूख कौन सी चढ़ रही है मेरी तो, क्यों बोल लाग रही मन तो, भूख लगा मन तो, क्या मोटर लगे है टापर है खेल है की टेंशन ना ले तू। बाजरी की रोटी की तैयारी चल रही है, सब्जी तो काट ली, तिरपाल जो हम लोगों ने पानी के ऊपर ही बिछा रखा है यहाँ पर गीला है नीचे से, ऐसे लग रहा है। आलू टमाटर और प्याज की सब्जी, बाजरे के आटे की रोटी, ये कोई टूरिस्ट है हमारी तरह, और रोटी बनाते हुए ऐसे देख करके उनको पता चल गया कि ये वही हो सकते हैं, जहाँ जाते हैं खाने ही बनाते हैं। हेलो जी, मदर आपके ब्लॉग्स देखती है। अच्छा हाँ जी, आओ बैठो खाना खाओ। नहीं खाइए खाइए, हम अभी बस ऊपर से खाना खा के आए हैं। अच्छा आप कहाँ से? वैसे दिल्ली से, हम बस वापसी की तरफ ही थे,
ऊपर जाके आए उधर? पर हम दो दिन वहीं थे। मेरी मदर तो बहुत देखती है, बहुत एक्सटेंसिवली देखती है आपका व्लॉग। अच्छा। आप राजस्थान में भी थे जब आप डेजर्ट में अपने गांव में जब गए थे, वो भी काफी बढ़िया एक्सपीरियंस। बारिश आनी शुरू हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी आनी शुरू हो गई, और लकड़ी जो हमें मिली है वो गीली लकड़ी मिली है, वो समस्या एक अलग है। जो सिलेंडर है उसकी भी गैस खत्म हो गई, एकदम हल्का हल्का ही चल रहा है। आटे की तेली, बाजरे का आटा, ऐसे दो ही रोटी सीखी क्यों चुकी? बस तो तुम करना है। इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, हमारा मन कर रहा है ऐसे बस आग के पास में बैठे रहे। ये तो ठीक है, पहाड़ के नीचे ओट में जगह मिल गई, तब आराम से खाना वाना बना लेंगे, खा लेंगे। बारिश आ भी जाएगी तो शायद बचाव हो जाएगा। हाँ, तीन सिटी आ गई मम्मी, तीन आ गई, बंद कर दूं? अभी चौथी आ गई, पांचवी सिक्की शुरू कर। अबे बाटा ही ताता हो क्या रे, तो ही ताता हो क्या, तू रोटी सिक्की है नहीं? हाँ अभी यहाँ चेक तो मत सूची लग गई है ना, फटाफट सीखनी शुरू हुई है। मैं जोर किसी के बैठी हूँ, इन्हें बैठ जो जितने यहाँ पूछे तो वो बैठो बैठो किसी के, इन्हें रख लियो रोटी सीखने का कारण है बाजरी को लाल आलो। हाँ हाँ चूल्हे को है ले आगे आगे पून कौन लगे चूल्हे ने भोग चूल्हे में लगा दो। हाँ जग्यो जग्यो देख। हाँ बरसात आनी हल्की हल्की शुरू हो गई। मम्मी और बच्चे तो सब चले गए भाई गाड़ी के अंदर, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ने लग गई। बादलों की गरगराहट हो रही है, जोर जोर से गर्जना हो रही है, और मैं खाना खा रहा हूँ, अभी ये भी स्टार्ट कर रही है। हमारे साथ ऐसे ही करता है हमेशा बारिश, खाना ठीक से नहीं खाने देती। तो भाई हालत खराब हो गई, देखो बारिश जबरदस्त आने लग गई है, जमा जम। भाई हम लोगों ने तो खाना खा लिया है, हल्की सी जगह थी तो बर्तन धो रही है शारदा, उसके लिए मुझे ये तिरपाल लेके जाना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह से बारिश आने लग गई और ओले आ रहे हैं, एकदम बर्फ गिर रही है ऊपर से, ठंड लग रही है। खाना मम्मी का साथ में लिया है, मम्मी आधा खा के गई थी बच्चों को लेकर के। मुझे भी ठंड लग रही है आज, तो कपड़े भी मैंने ऐसे गर्मियों वाले पहन लिए। यहाँ पर आए थे तब ना बर्फ पड़ रही थी, नहीं रे गर्मी धूप पड़ रही थी, बर्फ अब पड़ रही है। ओ यार सामान लेके बाजू के, तो तेरे क्या क्या लिया बता, मैं दो बैग है इतो लेके जा लेसी, तिरपाल कौन लेसी? अरे यार चलो भैया आपसे गाड़ी के अंदर ही मिलेंगे, भाग के जाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। और ये बारिश देखो जहाँ हम लोग बैठे थे ना, बस इसके आजू बाजू में ही है, आगे पीछे ऐसे दिख रहा है, धूप दिख रही है। वाह देखो कितनी सुंदर नजारे, यहाँ पर अभी भी गेहूं की फसल खड़ी है। वाह हरी भरी बरोट वैली, मटर भी है नी, सर्दियों वाली फसल है यहाँ पर अभी भी, और भी है कणक भी है। देखो भाई हम लोग पहुंच गए बरोट गांव, आ गया बरोट यहाँ पे। हाँ ये कंस्ट्रक्शन पूरा दिख रहा है ना देखने में, अंग्रेजों ने यहाँ तक ट्रेन लाए थे ऊपर, वहाँ से फिर ट्रॉली लाए थे, ट्रॉली से सामान आया ये। अच्छा यही ठिकाना है आपके पुरखों का? आलमपुर के। हाँ कांगड़ा के महाराज परिवार से। अच्छा लेकिन राजस्थान में हमारी शादियाँ हैं। शादियाँ हाँ हमने देखा था, इधर के राजा और महाराजाओं की खूब शादियां हुई उधर। ये यहाँ पर HPWD का गेस्ट हाउस है, छोटा सा डैम है। अच्छा नानी जी के गंगा सिंह जी। अच्छा आपके नानी जी के रियल फूफा थे? घर हमारे पास ही है। अच्छा हाँ, तो भाई सुखदेव सिंह जी और इनकी फैमिली, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के। आपको क्या नाम है? नितिन भाई। नितिन जयपाल। कभी आ पाना राजस्थान में गांव अपनी साइड में, डूंगरगढ़ डूंगरगढ़ बीकानेर 100 किलोमीटर है। अच्छा चलो जी ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे चलते चलते। ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल द बेस्ट। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है यहाँ पर, खेतों में गेहूं और जो है वो
खड़ी है। ये टोटली ना ये बहुत खूबसूरत है, एकदम ठंडी जगह है, बाकी सब जगह गर्मी की। यहाँ पे बहुत ठंड है और जो बर्फ वाले पहाड़ है ना वो यहाँ से नजदीक है और यहाँ पे नदी बह रही है। और आप हमारे वीडियो कब से देखते हो? दो तीन साल पहले जब हम लोग हिमाचल आए थे तब से तब शायद आपका नया यूट्यूब चैनल था। नहीं, हिमाचल यात्रा थी उस टाइम। चलो भाई, थैंक यू। चलो अभी मिले। ठीक भाई, ऐसे लग रहा है पूरा हिमाचल ही जानता है। हिमाचल में घूमते थे ना उस टाइम से सब जुड़े हुए हैं। तो भाई ये देखो दोस्तों, आ गया है मंडी। साथ साथ में चलते हुए मुझे काफी टाइम हो गया, लगभग 2 घंटे से चल ही रहे हैं। बोरोट वैली से निकले थे, उसके बाद में मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो एडिट और मंडी मार्केट के अंदर से निकलेंगे। अभी जो मंडी चर्चा का विषय बना हुआ है कंगना रणावत के कारण, अभी यहाँ पर जो चुनाव हुए नहीं है, होने वाले है, तो माहौल गर्म है। मेरे तो से ठंडो को है माहौल। हाँ आ बात भी सही है, अभी अट्ठे को ठंडो तो जदी होएगो, जो रिजल्ट आवेगो कोई ठंडो होएगो कोई गर्म होएगो। मार्केट तो यहाँ के पड़े हैं, आधे से ज्यादा दुकानें बंद पड़ी है। ओस इलाका मेन मार्केट, और आज जो हर जगह बरसात ही हो रही है। थैंक यू। बाइक को देखती हूं कहां जा रहे हैं? हम लोग तो इधर ही आए हैं, बीर बिलिंग जाके आए। वैसे मैं वायरल हो चुकी हूँ, मैं HRTC में कंडक्टर हूँ। कहाँ पे? HRTC में मैं अभी लगी हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। चलो यही रवाज है, ये मेरा है थोड़ा सा। अच्छा, आज तो सरकीदार किसी और को बोला हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं। सरकीदार जाना है? सरकीदार तो फिर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, जो रोड इस साइड को गया ना, राइट को यहाँ जाना है, अपने आप को शॉर्टकट पड़ेगा। बाद में भाई रात हो गई, हम लोग चलते रहे मंडी के बाद में रेवालसर और रेवालसर से सरकीधार, यहाँ पर रुकेंगे रात को। तो भाई उसके बाद में हम लोग जो वापस आ गए सरकीधार, पूरे 2 साल के बाद में। मैं तो बना के जिमा जो। अच्छा हाँ, घर से निकलने के बाद में खाना खुद का ही खाया। अच्छा, खुद बनाया। आज से 2 साल पहले आए थे भाई ऋतुराज के घर हम लोग, और उसके बाद में आ जाए, बहुत कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बच्चे बढ़ गए हैं। और हमारे लिए इन्होंने स्पेशल बनाया है कचौरी, मैदे की नहीं है। नहीं, आटे की है। आपकी एक बात हमेशा याद रहती है मुझे, कोदरे की रोटी 20 साल चलती है। कोदरे की रोटी और दोस्ती जो है, हाँ, वो एक समान होनी चाहिए। होनी चाहिए, मिले एकदम ताजा। दोस्ती कोदरे के समान होनी चाहिए। कोदरे की रोटी के समान दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती अगर दोस्त अगर मिले, हाँ, चाहे वो 20-40 साल के बाद भी मिले, लेकिन ऐसा मिले जैसे पहले मिले, तो पहले मिले उसको बोलते हैं दोस्त। तो कोदरे की रोटी में भी वो गुण है, 20 साल के बाद या 40 साल के बाद भी गर्म करेंगे ताजी बनेगी। वैसे वो बात आपकी मेरे लिए ताजी है। ये तो मैंने कभी नहीं खाया, आज ही खाऊंगा। स्वादिष्ट है भाई। पहले भी मैं आया था, आंटी जी ने बैठ बैठ के कई सारी चीजें खिलाई। बरसात के दिनों में चमकुरे की कुछ खाई थी। नहीं, मोटा सा पत्ता होता है उसकी, पत्रोड़ू खिलाओ। बहुत अरमान करी, बहुत मेहनत करी आज है। नहीं, एक ये चीज है सिड्डू। एक ये हुए, इससे पहले स्वादिष्ट सिड्डू हमने सिर्फ मनाली के पास में खाए थे, आज खाएंगे घर पे बनाए हुए। बहुत ब्रह्मांड करी, बहुत मेहनत करी है। मेहमानों के लिए अगर मेहनत नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? अपने लिए तो हरार नहीं करता। ये भाई सिड्डू है हिमाचल का, बहुत ही चटनी वालों में वो खाते में तुम दाते पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर फिर चटनी। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हिमाचल की रेसिपी सिड्डू, बहुत मेहनत करी बेचारा। इसको घी तेल के साथ में भी खाते हैं। हाँ, घी के साथ भी खा सकते हैं, स्वादिष्ट है। थोड़ा सा ये डालो, क्या चीज है? घी ये डालो। चीज बहुत जबरदस्त बनाते हैं घरों में, मार्केट में वो चीज नहीं मिलती। हाँ जी, वो तो यही सब मार्केट में
मतलब कचौरी और ये सीडू दोनों मैदा मिक्स करके मिलाएंगे और ये प्योर गेहूं के आटे का है हर चीज, इसमें कोई मैदा नहीं। चलो भाई ठीक है दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको भी इस तरह की यात्राएं पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, साथ ही कमेंट में लिख दें राम राम।